त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। पिछले करीब 10 माह से कोरोना काल के संकट से जूझ रही चूरू नगर परिषद ने अब शहर में विकास कार्यों की रफ्तार तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज मंगलवार को शहर के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों के लोकार्पण के माध्यम से 53,18,600 रुपए की सड़कों का लोकार्पण लोकसभा व विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया एवं सभापति पायल सैनी ने सामूहिक रूप से किया। इस अवसर पर नगर परिषद के बड़ी संख्या में निर्वाचित एवं मनोनीत पार्षदगण जन प्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। लोकार्पण कार्यों के दौरान वार्ड सभाओं को संबोधित करते हुए रफीक मंडेलिया ने कहा कि चूरू शहर व देहात में कोरोना के कारण रुके विकास कार्यों को अब जल्दी ही पंख लगने वाले हैं। चूरू शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देकर हर वार्ड हर गांव में बिजली पेयजल सड़क निर्माण ट्यूबवेल पानी की टंकी कचरा प्रबंधन सफाई कार्य चिकित्सा व शिक्षा आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए नवाचार के साथ बेहतर प्रयास किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सभापति पायल सैनी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कुशल प्रबंधन के कारण प्रदेश से अब कोरोना महामारी विदाई की ओर है। ऐसे में अब हम सबको एकजुट होकर शहर विकास के अधूरे पड़े कार्यों को बिना किसी भेदभाव के सभी को साथ मिलकर करने होंगे, तभी हम विकास की रफ्तार पकड़ पाएंगे। आप सभी पार्षदों की सभी जनमान्य लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित है, सोम जी, हरीश जी, पवन जी, जो हमारे चेजारा भाई है, इन सभी लोगों की सभी के एक स्वर के अंदर आवाज थी कि इस रोड को बनाया जाए। हमने इस रोड को बनाया है और आज आप सबके सामने इस रोड को बनाने के बाद में आपसे रूबरू हो रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देती हूँ जिस गर्म जोशी के साथ आपने हम सबका, मेरे साथी पार्षदगणों का स्वागत किया है, उसके लिए भी आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। वही उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर आज पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सहारण व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर शहर के स्थानीय धर्म स्तूप पर नगर परिषद द्वारा करवाई गई मरम्मत कार्य के बाद लगाए गए शिलापट का विरोध जताया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए हरलाल सहारण ने कहा कि कांग्रेस ने ऐतिहासिक धरोहर का राजनीतिकरण किया है। उन्होंने नगर परिषद पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। इस अवसर पर बसंत शर्मा ने कहा कि इस ऐतिहासिक इमारत पर नगर परिषद द्वारा लगाई गई पट्टिका से इस ऐतिहासिक इमारत का स्वरूप बिगड़ा है। चूरू ने चूरू जिले के जिला मुख्यालय पर जो पुरातन धर्म स्तूप जिसे हम लाल घंटाघर भी कहते हैं, जो पंचरस्ता है, जहाँ पे इस धर्म स्तूप पर हमारे सभी धर्मों के धर्म गुरु और देवता स्वान व्यक्तित्व की वहाँ पे चित्र भी है, फोटो भी लगी है। ऐसे धर्म स्तूप जिन्हें देखने के लिए पर्यटन की दृष्टि से हेरिटेज में भी शामिल है, ये राष्ट्रीय धरोहर है अपनी, जिसको आज मरम्मत के स्वरूप उसके स्वरूप को बिगाड़ते हुए वहां पे लोकार्पण किया गया। अब वो लोकार्पण पट्टिका वो धर्म स्तूप के आगे लगाई गई है, जो सर्वथा अनुचित है। ये चूरू की जनता का अपमान है। भाजपा पार्टी ये मांग करती है तुरंत प्रभाव से पट्टिका उतारी जाए, उसको स्वरूप को धर्म स्तूप के स्वरूप को हमारे वैसे ही रहने दिया जाए। एक तो ये मांग करते हैं। दूसरी मांग, समय समय पर ऐसी धरोहर, चाहे वो सफेद घंटाघर हो चाहे धर्म स्तूप हो, भाजपा पार्टी के नेता राठौड़ साहब के कार्यकाल में, हमारी भाजपा पार्टी के नगर परिषद कार्यकाल में लाखों रुपए खर्च किए, लेकिन कहीं पे भी धरोहर के स्वरूप को हमने बिगड़ने नहीं दिया। वहां पे कहीं पे भी लोकार्पण उद्घाटन पट्टिका नहीं रखी गई थी, इस नाते नहीं रखी गई थी, हमारे राष्ट्रीय धरोहर है। इसलिए राजनीतिक स्टंट के तहत जिस तरीके से धरोहर बिगाड़ने का काम किया, हमारी मांग है कि वो पट्टिका हटाई जाए तुरंत प्रभाव से। वो धरोहर हमें सुंदर लगे, देखने लायक है, शहर की सबसे बड़ी धर्मस्तूप धरोहर, उसको संरक्षित रहनी चाहिए। दूसरी मांग कि जिस उद्घाटन पट्टिका पर रफीक जी मंडेलिया का नाम दिया गया था, नगर पालिका में विकास हो, सभापति जी जाए, रफीक जी मंडेलिया किस बीए पर लोकार्पण का उद्घाटन या लोकार्पण कर सकते हैं। इसी मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि ऐतिहासिक धरोहर धर्म स्तूप के रंग रोगन व मरम्मत कार्य के नाम पर उसके स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है। वही लोकार्पण के नाम पर वहां पर शिलापट लगाए जा रहे हैं, यह ऐतिहासिक धरोहर के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ है। चूरू का धर्म स्तूप विश्व हेरिटेज में शामिल किया गया है, लेकिन कांग्रेसी नेता मरम्मत के नाम पर इसके स्वरूप को बिगाड़ रहे हैं, जो अनुचित है। इस मौके पर पार्टी के अनेक वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। आज नगर परिषद द्वारा एक ऐसी चीज का लोकार्पण उद्घाटन करके इस चूरू की जनता के साथ धोखा किया है, जो बरसों पुरानी सेठ साहूकारों ने लुटा बनाया था। हर नगर पालिका प्रशासन का दायित्व है कि इसका सुंदरीकरण टाइम टाइम पे होता रहे,
और 70 साल की आज़ादी के बाद हर टाइम ये पहले से बना था, उसके बाद हर टाइम इसका सुंदरीकरण शिलापट नहीं लगाया, मगर यहाँ की सभापति और यहाँ के कुछ न होते हुए भी रफीक मंडले द्वारा उद्घाटन किया, इसलिए चूरू जनता के साथ ये धोखा किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी और नगर पालिका विपक्षी नेता समस्त पास्तगढ़ आज कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं, अगर ये शिलापट नहीं हटा तो आगे आंदोलन करना पड़ेगा। सादुलपुर की जैतपुरा ढाणी मोजी में फायरिंग एवं हत्याकांड मामले में आज पुलिस महानिरीक्षक बीकानेर रेंज प्रफुल्ल कुमार सादुलपुर पहुंचे तथा मामले में गठित टीम के साथ प्रकरण संबंधी विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस कड़ी से कड़ी जोड़कर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस अपराधियों की धरपकड़ में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी तथा मामले में शीघ्र ही पुलिस को सफलता मिलेगी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि घटना में शामिल अपराधियों की पहचान कर ली गई है तथा पुलिस को भी उत्साहजनक जानकारी मिली है तथा इसके अलावा अपराधियों की तैयारी एवं मूवमेंट पैटर्न की भी जांच की जा रही है। प्रकरण में अब तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें एक घटना में शामिल रहा है तथा दूसरा सहयोगी रहा है। इसके अलावा घटना में घायल अपराधी जयपुर के SMS अस्पताल में उपचाराधीन है, उससे भी इलाज के बाद पूछताछ की जाएगी। इस दौरान SP नारायण टोगस, स्थानीय ASP पवन मीणा, SOG ESP करण शर्मा, DSP ब्रिजमोहन असवाल सहित रतनगढ़, चूरू, सिद्धमुख, दूधवाखारा आदि के थाना अधिकारी भी उपस्थित थे। घटनाक्रम हुआ है उसमें एक तो पुलिस टीम ने जो घटना में शामिल लोग हैं, जो भी बदमाश हैं, उनकी हमने शिनाख्त कर ली है और मोर और लेस जो इनकी तैयारी रहा है, जो इनका मूवमेंट पैटर्न रहा है, वो चीज़ें भी हमने एस्टेब्लिश की। अभी तक हमने 2 लोगों को इसमें अरेस्ट किया है, जिसमें एक मेन जो घटना में शामिल अक्यूज्ड है और दूसरा उसका एसोसिएट रहा है। एक मुलजिम जो है वो जहरीलाज अभी SMS में है, भर्ती है, और उससे भी एक बार इलाज के बाद पूरी पूछताछ की जाएगी। और इसमें हमारी साइबर टीम भी काम कर रही है और पूरे ज़िले की जो बेस्ट टीम है वो लगा रखी है। SP साहब भी यहाँ कैंप कर रहे हैं, तो करी से करी जोड़ करके इसमें आगे बढ़ने के प्रयास हो रहे हैं और कुछ उत्साहजनक हमें लीड्स भी मिली, अब उस पर हम काम कर रहे हैं। जो फरार आरोपी हैं उन पे मामले भी दर्ज हैं। जो बंसीलाल है उस पे अभी SP साहब ने 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। एक जो राजेश हैं उस पे पहले से किस 15,000 का इनाम घोषित है, उसके इनाम राशि बढ़ाने की भी अनुशंसा मुख्यालय भेजी जा रही है। बाकियों का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अपडेट किया गया है और उस पर भी विधिक कार्रवाई होगी, वो विचाराधीन। पैंथर के हमले से 5 ग्रामीण सहित 6 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ तहसील के गांव कांगड़ में रामलाल शर्मा के खेत पर गांव का ही 28 वर्षीय राजकुमार मेघवाल काम करता है। मंगलवार की शाम वह सरसों की खेती में पानी दे रहा था कि अचानक पैंथर ने उस पर हमला बोल दिया, जिस पर खेत के पड़ोसी को आवाज दी। मौके पर पहुंचे रणवीर पर भी पैंथर ने हमला बोल दिया और दोनों घायल हो गए। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के कार्मिक बद्री प्रसाद सहित 4 अन्यों पर भी पैंथर ने हमला बोल दिया, जिससे वे लोग घायल हो गए। पैंथर की सूचना पर ग्रामीण दहशत में है। वहीं पैंथर को पकड़ने के लिए जयपुर से टीम बुलाई गई है। आज हमारे गांव कांगड़ में एक अज्ञात जंगली जानवर जिसको पैंथर बता रहे हैं, जालूराम जाट के खेत में और राम प्रसाद शर्मा के खेत में था। उसने 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें रणजीत जाट व राजू मेघवाल घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और सरसों के खेत में वो छुपा हुआ है, अभी पकड़ने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है और जो भी ग्रामीण हैं वो भी वहाँ उपस्थित हैं। मैं बद्री प्रसाद बिश्नोई, वनपाल, रतनगढ़ रेंज। हमें लगभग 4 बजे पुलिस स्टेशन रतनगढ़ से सूचना मिली दूरभाष से, कांगड़ गांव में कोई चीता आया है, तो रेंजर साहब नागेश जी पुरोहित और हम पूरे स्टाफ तुरंत ही गाड़ी लेके वहाँ पहुँचे। तो वहाँ लगभग 100-150 आदमी इकट्ठे हो रखे थे, उन्होंने वो जगह बताई, उनके खोज बताई, हमने खोज के पग मार्क लिए। इसी दौरान मतलब एक आदमी पे उस पैंथर ने हमला कर दिया। जैसे हम भाग के उधर गए तो वो पैंथर दूसरे खेत में घुस गया, तो हमने उसके पग मार खोज लेते हुए जैसे ही दूसरे खेत में गए तो वो सामने सरसों में छुपा हुआ एकदम बिल्कुल सामने से आगे मेरे पे हमला कर दिया। उसने मुँह में मेरा हाथ पकड़ लिया और पंजों से छाती पर लगाया। मैंने भी उसको
मतलब कसके पकड़ लिया। इसी दौरान हमारे कर्मचारी साथी प्रभुराम जी और सीताराम जी जिनके पास वो डंडा थे उन डंडों से पिटा, तभी वो छोड़ के सरसों के खेत में भाग गया और मैं यहाँ दोनों जो घायल और थे उन मरीजों को साथ लेके और यहाँ रतनगढ़ में इलाज करवाने के लिए आया हूँ। इसमें कितने लोग आए? घायल हमारे आने के बाद में दो आदमी और घायल हो गए, दो आदमी पहले थे चार और दो मेरे साथ आए छह, एक में सात आदमी घायल हो गए। श्री दादू दयाल सैंड स्टोन हमारे यहाँ पर करौली धौलपुर बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर फार्म हाउस मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली खूबसूरत फंवारे सुंदर झरने झरोके गमले शेर हाथी घोड़े मूर्ति भव्य चौखट लैंप सोफा सेट छतरी आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादूदयाल सैंडस्टोन टी पॉइंट सरदार शहर रोड रतनगढ़ प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी दोसा वाले। जिला मुख्यालय पर आज अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर सरपंच फोरम ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि महानरेगा योजना में कार्यरत श्रमिकों को अपने निर्धारित दैनिक टास्क पूरा करने के बाद कार्यस्थल छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाए। वहीं महानरेगा योजना की सामग्री का भुगतान निर्धारित 19 दिनों के अंदर ही करवाया जाए। साथ ही केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की राशि शीघ्र ग्राम पंचायतों के खाते में डाली जाए जिससे कि ग्राम विकास के कार्यों को गति मिल सके। सरपंच फोरम के अध्यक्ष बलबीर ढाका व उपाध्यक्ष गट्टू कंवर के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में पंचायत समिति चूरू के सभी सरपंच मौजूद थे। आज सरपंचों के सात सूत्री मांग को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आए हैं। पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा योजना के सामग्री मद की राशि जो पिछले दो साल से बकाया पड़ी है, SFC की राशि जो पिछले दो साल से बकाया पड़ी है, निर्बंध योजना का जो पैसा है वो बकाया पड़ा है, उस संबंध में सभी योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए पंचायतों के जो बकाया फंड जो हैं राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के उसके समय पर भुगतान के लिए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने हैं। उसके अलावा सबसे अहम और मुख्य मुद्दा ये है कि जो राज्य सरकार ने अपना पूरा काम पूरा दाम के नाम पर एक अभियान चला रखा है जिसके द्वारा सभी ग्राम पंचायतों में से संबंधित कार्मिकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शाम को 4 बजे के बाद में निरीक्षण किया जा रहा है जबकि अपने इस क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता के हिसाब से पशुपालन और कृषि के हिसाब से जीवन यापन किया जा रहा है। महात्मा गांधी नरेगा योजना में नियोजित श्रमिकों में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिलाएँ नियोजित होती हैं जिनको शाम को 4 बजे से पहले अपने घर पर आना आवश्यक होता है। जब वो अपने काम पे पूरा काम अपने टास्क के हिसाब से अगर काम कर लेती है तो नियमानुसार उनको कार्य करने के बाद में वहाँ से कार्यस्थल को छोड़ने की अनुमति होती है जबकि कलेक्टर साहब और उच्च अधिकारियों द्वारा उनके कार्य पूरा पूर्ण करने के बाद में अगर स्थल पर पहुँचते हैं तो उनकी हाजिरी एब्सेंट की जाती है जिस बारे में सरपंच संघ चूरू तहसील के द्वारा पिछले 3 तारीख से पूरे कार्यों का बहिष्कार किया हुआ है। उसी संबंध में आज हम यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए। वहीं जिला मुख्यालय पर आज विकास अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर बीदासर विकास अधिकारी किशोर कुमार ने बताया कि राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा RRDS के वर्ष 2007 में गठन से लेकर आज तक एक भी पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है जबकि अन्य समानांतर राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के समान बैच के अधिकारियों को दो दो पदोन्नति दी जा चुकी है। इस दौरान रतनगढ़ विकास अधिकारी दलीप कुमार व सुजानगढ़ के विकास अधिकारी हरिराम ने बताया कि आज जिले के विधायकों व कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया है। वहीं आगामी 11 से 13 फरवरी को काली पट्टी बांधकर सरकार द्वारा सेवा के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं 14 फरवरी को जन प्रतिनिधियों को पुष्प भेंट कर न्याय आग्रह किया जाएगा। राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा का गठन हुए और अपॉइंटमेंट हुए 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष बीत जाने के बाद सभी प्रकार की राज्य सेवाएं जो अधीनस्थ सेवाएं हैं उनके दो दो बार पदोन्नति या प्रमोशन हो गए हैं। हमारी सेवा का एक बार भी पदोन्नति नहीं हुआ है। इसको लेकर के हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं कि या तो हमारी पदोन्नति की जाए अन्यथा हमारी इच्छा मृत्यु से अनुमति दी जाए।
तारानगर तहसील के विभिन्न गांवों में सिंचाई का पानी नहीं आने से सहवा, धीरवास, डाबड़ी के आक्रोशित किसानों ने आज धीरवास माइनर पर धरना दिया। इस दौरान किसानों ने बताया कि यदि तय समय पर पानी नहीं छोड़ा जाता है तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। इस मौके पर किसान नेता निर्मल प्रजापत सहित क्षेत्र के अन्य किसान मौजूद थे। ओ धरनो चौधरी कुमाराम लिफ्ट कैनाल की सावा वितरिका शुं धीरवास माइनर निकल गया है। बिंग ऊपर टहलगा किसान और एंगी लगभग दूरी जी की है, बस 11 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर के बाद का जितना भी किसान है 7 किलोमीटर तक फसल आम पा देख ला रहे हैं आसपास, तो बहुत ही खराब स्थिति है। प्रशासन की सरकार की उदासीनता के कारण पीछे पानी की चोरी हो जा, बल्कि पानी बहुत कम लेगी भी कम आवे पीछू, तो उरे के नहरी विभाग के प्रशासन छू आ मांग आज करांगा भी अधिकारियों ने बुला गए कि पूरो पानी इन नहर को मिले और प्रत्येक खेत में जितो बिंगो हिस्सो है वो बराबर को बंटवारो करके पानी मिले, जद खेत में फसल जी की है वह बचाई जा सके। अन्यथा हम पा देखने लग रहे हैं उरे सरसों चना गेहूं पूरी तरह नष्ट होने कगार पर है। गरेड़े 2 दिन धरनो चल रही है, आज किसाना बीच में मैं पहुंचा और प्रशासन को बात करांगा और फिर भी अगले 2 दिन ज्यादा क्योंकि अभी ज्यादा टाइम को नहीं, अगले 2 दिन में अगर पानी देने को बंदोबस्त वह नहीं करे तो आज की सावा तारानगर रोड है इन्हें ब्लॉक कराओ। मैं तो कोई क्रिकेट टूर्नामेंट को उद्घाटन हो बिक माइडा धीरवा से और जट जा रहा रोड पर तो मका माइत बैठे है, रोड पर ना कोई ना कोई समस्या लेगी बैठे, तो मारू भी रुकियो कौन गया और गाड़ी में भी रोक के उतर के आ गया। जड़ी पानी की जगह बहुत बड़ी समस्या है और वास्तव में सरकार ने संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और पछल जगह बुआई गए टेम जकी पानी की व्यवस्था करे, बाद 3 महीना तक लगातार पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और 11-12 महीने में जरूर अब जावांगा और तारानगर जागे भी बट बात भी करांगा और जाते टाइम है जकी ऑफिस के अंदर भी बात करके जावांगा कि आज की बड़ी समस्या है कि वास्तव के अंदर किसान जब देश में बचसी जद एक देश की आगे उन्नति उसी देश प्रगति कर सी, किसान की जकी हालत है बात दयनीय दिन दिन प्रतिदिन जाती जा रही है। और जब पार्टियों को बिलोंग करा पर किसान की जब बात आवे तो पार्टियों को झंडो घरे रख गए और किसान के साथ जब तक लामबंद नहीं हुई, हर आदमी एक नौजवान है, युवा है, मजदूर है, जब तक किसान को भलो होने वालों है कोनी। तो देखो सरकार से भी आई विनती है कि भाई सब लोग बैठे है माका माइत लगातार काफी दिनों बैठे है तो बाकी बात सुननी चाहिए और पानी की व्यवस्था बढ़िया तरीके होनी चाहिए जदि जागे फसल हमारी पूरी पकेगी। चूरू पंचायत समिति के तत्वाधान में आज पेंशन भवन में 5 दिवसीय पंचायती राज आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के चूरू ब्लॉक के सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। जिला ट्रेनर एडवोकेट रामेश्वर प्रजापति ने जन प्रतिनिधियों से कहा कि वे ग्राम के चहुमुखी विकास, सुशासन के लिए प्रतिबद्धता, ग्रामीण विकास में सतत सहभागिता दर्ज करावे ताकि ग्रामीणों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी प्रेम सिंह, आनंद कुमार शर्मा, भवरलाल स्वामी, ज्योति वर्मा, कुंदन सिंह, मनोहर सिंह सहित सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे। किसान आंदोलन के समर्थन में गांव डोकवा से सादुरपुर के मिनी सचिवालय तक ट्रैक्टर और बाइक रैली निकालकर ग्रामीणों ने किसान विरोधी बिलों को वापस लेने की मांग कर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ट्रैक्टर, बाइक तथा वाहनों में सवार ग्रामीण और किसान केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। वहीं रैली के कारण मुख्य सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में विभिन्न आईटी एप्लीकेशंस, वेबकास्टिंग, एनकोर ऐप, ईवीएम मैनेजमेंट सिस्टम, कंट्रोल रूम संचालन आदि बिंदुओं पर व्यापक चर्चा की गई। इस मौके पर राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव के दौरान सभी निर्वाचन गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए समुचित ढंग से प्रशिक्षण आयोजित करें और एक एक बिंदु का बारीकी से अध्ययन करें। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के प्रांतीय आह्वान पर संगठन के मांग पत्र पर वार्ता की मांग को लेकर सोमवार को रतनगढ़ में शिक्षकों ने प्रदर्शन करते हुए उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र पुनिया के नेतृत्व में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। ज्ञापन में पुरानी पेंशन को बहाल करने, कोरोना के नाम पर की गई महंगाई भत्ते में कटौती व काटे गए वेतन को जारी करने, स्थायी व पारदर्शी स्थानांतरण नीति जारी करने, संविदा कर्मियों को नियमित करने सहित कई मांगों का उल्लेख किया गया है। इस मौके पर जिला संयोजक सुभकरण नैन, शिक्षक नेता बजरंगलाल बिसु, भवरलाल पुनिया, महेंद्र जांगिड़, रविंद्र बुल्डक सहित कई शिक्षक उपस्थित थे।
श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फव्वारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादूदयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। जिले में पीएम कुसुम योजना अंतर्गत कृषकों के खेतों में अनुदान पर सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने हेतु आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति के लिए सामान्य श्रेणी में 3 अगस्त 2018 तक, अनुसूचित जाति श्रेणी में 3 फरवरी 2021 तक एवं समस्त कृषक व अनुसूचित जनजाति श्रेणी में 23 दिसंबर 2019 तक आवेदित पत्रावलियों को प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने हेतु तैयार करने के आदेश जारी किए गए हैं। सहायक निदेशक उद्यान मदन लाल ने बताया कि जिले में सौर ऊर्जा पंप परियोजना हेतु आवेदित कृषकों को दूरभाष पर समाचार पत्रों में सूचना देने के उपरांत भी कुछ कृषक सौर ऊर्जा पंप संयंत्र स्थापना के इच्छुक नहीं हैं। आगामी सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव हेतु प्रशिक्षक प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी ACEO डॉ. नरेंद्र चौधरी ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों कार्मिकों से कहा है कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों की अक्षरशः पालना करते हुए सौंपे गए दायित्वों का सतर्कता एवं कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करें। डॉक्टर चौधरी आज जिला परिषद सभाकक्ष में जिला निर्वाचन अधिकारी सावरमल वर्मा के निर्देशानुसार उपचुनाव के लिए गठित उड़न दस्तों, निगरानी दलों, सहायक व्यय पर्यवेक्षक एवं लेखा टीम के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर रिटर्निंग अधिकारियों को त्वरित सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें। चूरू लोकसभा और विधानसभा के प्रत्याशी रहे कांग्रेस नेता रफीक मंडेलिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा है कि चूरू शहर के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। विधानसभा का सत्र समाप्त होते ही वे स्वयं मुख्यमंत्री से सभापति के साथ मिलेंगे और शहर के विकास के लिए अतिरिक्त पैकेज की मांग करेंगे। रफीक मंडेलिया आज नगर परिषद सभाकक्ष में नगर परिषद द्वारा प्रकाशित 1 साल बेमिसाल स्मारिका के विमोचन के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने सभापति के 1 वर्ष के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि सभी निर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने एक राय होकर सभापति के नाम पर जो मोहर लगाकर इन्हें सभापति बनाया, मुझे गर्व है कि वह निर्णय आज सही और साकार हो रहा है। नगर परिषद PRO किशन उपाध्याय के संयोजन में हुए कार्यक्रम में बीसुका के पूर्व उपाध्यक्ष आशाराम सैनी, वरिष्ठ पार्षद मोहम्मद हुसैन निर्वाण, यूसुफ खान, सरोज सैनी आदि ने रफीक मंडेलिया, सभापति पायल सैनी एवं नगर परिषद सचिव हेमंत तंवर का साफा एवं माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में निर्वाचित एवं मनोनीत पार्षद तथा नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी सहित जन प्रतिनिधि मौजूद रहे। कम मजदूरी को लेकर मनरेगा श्रमिकों ने सरदार शहर ग्राम पंचायत मुख्यालय सवाई बड़ी के IT सेंटर के आगे प्रदर्शन किया। मनरेगा श्रमिकों ने बताया कि ग्राम पंचायत में 3 जगह मनरेगा कार्य चल रहा है, 2 स्थानों पर मजदूरी ज्यादा दी गई है, वहीं 1 जगह पर कम मजदूरी दी गई। श्रमिकों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिसके कारण श्रमिकों में भारी रोष व्याप्त है। आक्रोशित श्रमिकों ने ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मनरेगा श्रमिक उपस्थित थे। वहीं कनिष्ठ तकनीकी सहायक लक्ष्मण ने बताया कि नियमानुसार भुगतान किया गया है, किसी भी श्रमिक के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। रतनगढ़ के राजकीय अस्पताल में जेब कतरा गिरोह फिर से सक्रिय हो गया है। मंगलवार को राजकीय अस्पताल आए 3 लोगों की जेब से अज्ञात ने रुपए पार कर लिए। 60 वर्षीय एक पीड़ित थाना भी पहुंचा तथा पुलिस को लिखित में रिपोर्ट दी है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 घंटे में आरोपियों को दस्तयाब भी कर लिया। घटना के अनुसार मंगलवार को दांतों में दर्द की शिकायत पर शास्त्री नगर निवासी राजूराम सिहाग राजकीय अस्पताल में पर्ची काउंटर में लाइन में लगा हुआ था। इसी दरमियान अज्ञात ने उसकी जेब से 10,000 रुपए पार कर लिए। घटना की सूचना पर कांस्टेबल प्रमोद अस्पताल पहुंचे तथा CCTV फुटेज खंगाले। रतनगढ़ में आज नागार्जुन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नागपुर के सौजन्य से संस्था के छात्रों द्वारा कंबल का वितरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान रविदास नगर सहित आसपास के क्षेत्र में करीब 100 कंबलों का वितरण किया गया।
इस मौके पर लालचंद पवार, मंगतुराम मंडीवाल, विशाल पवार सहित अनेक छात्र मौजूद थे। चूरू के निकटवर्ती गांव खारिया की राजकीय माध्यमिक विद्यालय में आज समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने कोरोना महामारी रोकथाम अभियान के तहत कक्षा 6 से 8 तक की स्कूल खुलने पर सहायक निदेशक लालचंद वर्मा को वितरण हेतु मास्क भेंट किए। इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में सुदर्शन के पौधे भी अतिथियों द्वारा लगाए गए। इस दौरान वर्मा ने कहा कि शिक्षक बाबूलाल तुनगरिया ने कोरोना महामारी के रोकथाम के लिए लॉकडाउन से लेकर आज तक मास्क, सैनिटाइजर व पौधे का वितरण जैसे कार्यक्रम कर एक सराहनीय कार्य किया है। इस अवसर पर कार्यवाहक प्रधानाध्यापक सुभाष चंद्र, महावीर सिंह, रजनी व जय शर्मा आदि उपस्थित थे। ये बाबूलाल जी तुंगरिया अध्यापक हैं और राजलदेसर के पास राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रत्नादेसर में पदस्थापित हैं। अपने यहाँ 19 मार्च 2020 से जब लॉकडाउन चला तब से लेकर ये समाज सेवा में बराबर भाग लेते हैं और हमारे जो कोविड सेंटर बने थे उन कोविड सेंटरों पर बराबर जो भी वहाँ लोग रुकते थे रात को दिन को सभी के लिए भोजन की व्यवस्था, सभी के लिए गर्म पानी की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, खाने की सप्लाई किया करते थे।